फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज छोटी दिवाली है और पीछे देखिए सारे लोगों ने लाइटिंग वगैरह लगा ली है। और बच्चे देखिए इधर फुलझड़ी जला रहे हैं दोनों बहन भाई। और देखिए ऊपर हमारे इधर भी लग गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चारों तरफ इसी तरीके से लगा दी है हमारे इधर भी। ये इधर जलने बुझने वाली है, थोड़ी देर में जलेगी, थोड़ी देर में बुझती है। तो देखिए बेबी क्या कर रही है, हैप्पी दिवाली। देखो दोनों बहन भाई क्या चला रहे हैं, फुलझड़ियाँ चला रहे हैं। और बच्चों की तो 8 दिन पहले से ही चालू हो गई थी दिवाली। और देखिए इस तरीके से फुलझड़ी चलाई जा रही है। तो देखिए बाहर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारे आसपास में जो है जगह को सजाया गया है। तो ये देखिए मैं अब रंगोली बनाने लगी हूँ। और मैंने सोचा कि अभी एक रंगोली बना देती हूँ, नाइट हो गई थी, क्योंकि फिर कल बहुत काम रहता है दिवाली के दिन। इसलिए मैंने सोचा कि पहले से ही एक रंगोली बना दूँगी तो सुबह फिर काम थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पिकॉक वाली रंगोली बना रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं बचपन से ही रंगोली बहुत अच्छी अच्छी बनाती हूँ। और घर पर भी मम्मी के घर जब मैं थी ना तो बहुत अच्छी अच्छी रंगोली बनाया करती थी। मम्मी को भी आज भी मेरी बहुत याद आती है कि हम लोग जब आंगन हुआ करते थे हमारे, तो उनमें रंगोली बनाया करते थे। तो देखिए मैं इस तरीके से पिकॉक वाली रंगोली बना रही हूँ। और ये मोर वाली रंगोली जो है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और शायद आप लोगों में से भी कई लोगों को पसंद होगी, तो कमेंट करके बताइएगा मुझे कि हमें भी पसंद है। और रंगोली की वीडियोज़ तो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए मैं इस तरीके से, क्योंकि रंगोली बनाने में ना बहुत टाइम लगता है और कमर दर्द होने लगती है। एक तो नीचे बैठ के बनाना पड़ता है तो कमर दर्द होने लगती है। और इस तरीके की रंगोलियां हम बनाते हैं ना तो बहुत टाइम लेती हैं। तो इसीलिए देखिए सुंदर लगने लगी है। अभी तो शुरुआत ही हुई है उसकी, अभी बहुत बनाना बाकी है और टाइम भी बहुत लगेगा उसमें बनाने में। तो देखिए मैं इस तरीके से इसमें पिंक कलर डाल देती हूँ। कलर जो है मैंने डार्क ही लिए हैं, क्योंकि हल्के कलर मुझे पसंद नहीं आते, मुझे डार्क कलर अच्छे लगते हैं। अगर हल्के कलर की रंगोली बनाना है ना तो हमें सिर्फ हल्के कलर ही उनमें डालना चाहिए, और डार्क कलर की बनानी है तो डार्क, इसलिए मैं डार्क कलर का ही यूज़ कर रही हूँ। और मोर बनाने में तो जितने कलर का यूज़ किया जाए कम है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरी मोर जो है बन करके तैयार है, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और मैंने इसको जल्दी जल्दी इस तरीके से बना दिया है। और इसके बाद मैंने सेकंड रंगोली भी बना दी थी, तो देखिए मैं आपको वो दिखाती हूँ और इसको पास से दिखाती हूँ। देखिए मैंने स्पून से इसका जो डिज़ाइन है वो बनाया हुआ था। और देखिए मोर की गर्दन भी जो है कितनी अच्छी और सुंदर दिख रही है। तो दूसरी रंगोली में दिखाती हूँ आपको। तो ये वाली तो बस मैंने सिंपल सी बनाई थी।
तो सेकंड वाली मेरी देखिए कुछ इस तरीके से है, ये भी बहुत सुंदर है। और आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिवाली में तो सबको गिफ्ट देना ही चाहिए। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प कर सकते हैं। और इधर देखिए बिटिया रानी जो है हमारी रंगोली मेरे साथ में बना रही है, और देखिए क्या कर रही है, 3-4 कलर को मिक्स कर दिया है। और आज के लिए बस इतना ही, देखिए आप मेरी बेटी की रंगोली, और बाय बाय।